को, डेट है 23 जून 2020, डे है ट्यूसडे, सब्जेक्ट है उर्दू। अच्छा शहरी, पेज नंबर है 22। मिस अरफा, आज मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा शहरी कौन होता है। आपको मालूम है कि शहरी किसे कहते हैं? बच्चे, जी हाँ मिस, मिस अरफा। फरवा, आप बताओ शहरी का मतलब क्या है? फरवा, मिस बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को शहरी कहते हैं और देहात के लोगों को देहाती कहते हैं। मिस अरफा, बिल्कुल गलत। रजा, तुम बताओ। रजा, जो शख्स जिस मुल्क में रहता है वो उस मुल्क का शहरी होता है। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान के शहरी हैं। जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिका के शहरी हैं, और जो लोग चीन में रहते हैं वो चीन के शहरी हैं। मिस अरफा, शाबाश, हम सब पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। जिस तरह जमात में सबसे अच्छा बच्चा वो होता है जो वक्त पर स्कूल आता है, मेहनत से पढ़ता है, घर का काम रोज़ाना करके आता है, साफ़ सुथरा लिबास पहनता है, झूठ नहीं बोलता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उस्ताज़ा का एहतराम करता है, उस्ताज़ा का एहतराम करता है, बड़ों का अदब करता है। इस तरह मुल्क में रहने वालों यानी उस मुल्क के शहरियों की भी कुछ ज़िम्मेदारी होती है। ये हमारा मुल्क है, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम खुशहाल होंगे। अच्छा शहरी बनने के लिए हमें अपने मुल्क के कानून की पाबंदी करनी चाहिए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। आपने इस रीडिंग को अच्छे से याद करना है।